कौन सी गजाएं लेनी चाहिए रमज़ान में स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं डाइट के हवाले से भी, कुछ लोग वेट गेन करना चाह रहे होते हैं, और लोग जो है वो नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करते हैं सहरी में, बहुत ज़्यादा लस्सी पीते हैं और पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं। रमज़ान में सबसे पहले तो ये है कि आप जो है वो ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें। तो आपको चाहिए कि जब आप अपना अफ्तारी करते हैं तो आप उसमें फ्रूट्स को प्रेफरेंस दिया करें, फ्रूट्स का इनटेक ज़्यादा। आप दूसरे का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम सेवन अप डाल के हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें बनाना शेक आ जाता है या बहुत सारे फ्रूट जूसेस आते हैं। वेल वेलकम अगेन इन QS स्टूडियो, आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस उम्मे फरवा जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और रमज़ान में न्यूट्रिशन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान में हम जानना चाह रहे हैं कि न्यूट्रिशन की बड़ी वैल्यू होती है, कौन सी गजाएँ लेनी चाहिए रमज़ान में स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं डाइट के हवाले से भी, कुछ लोग वेट गेन करना चाह रहे होते हैं और कुछ लोग वेट बढ़ने से डर रहे होते हैं। थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि कौन कौन सी ऐसी 10 अच्छी गिजाएँ हैं, अच्छी खुराकें हैं जिनको हम लें तो हम हेल्दी भी रह सकते हैं ड्यूरिंग रमज़ान। रमज़ान में सबसे पहले तो ये है कि आप जो है वो ऑयली चीज़ों से परहेज़ करते हैं। आपको पता है कि जब रोज़ा खोलते हैं लोग इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, एक हमारे कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि आपने समोसे पकौड़े इन चीज़ों से जो है वो रोज़ा खोलना है। तो अगर आप इन चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो वेट है वो गेन होगा और आपकी जो हेल्थ है वो भी ठीक नहीं रहेगी, हेल्थ पे जो है बैड साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो आपको चाहिए कि जब आप अपना अफ्तारी करते हैं तो आप उसमें फ्रूट्स को प्रेफरेंस दिया करें, फ्रूट्स का इनटेक ज़्यादा किया करें या फ्रूट जूस का इस्तेमाल कर लिया करें, ताकि जो ऑयली चीज़ें हैं समोसे पकौड़े कचौरी वगैरह इनका इस्तेमाल आप करते हैं तो आप इसको छोड़ दें। कोई और ऐड करना चाहिए 10 ऐसी गिजाएँ जो सेहत के लिए अच्छी हैं रमज़ान में? आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हमारे पास खरबूजा आ जाता है, तरबूज आ जाता है और मैंगो का इस्तेमाल आ जाता है, या आप शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें बनाना शेक आ जाता है या बहुत सारे फ्रूट जूसेस आते हैं, आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। और जब आप अफ्तारी करते हैं उसके साथ आपने क्या, आप दूसरे का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम सेवन अप डाल के हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है वो प्रेजेंट होती है आपकी गैस की फॉर्म में पेप्सी या सेवन अप, जो हम खाली पेट फ़ौरन से पी लेते हैं तो दिन भर जो हमारा स्टमक होता है वो खाली होता है। जब सडनली उसके अंदर आपके जो बोतल होता है उसका प्रेशर जाता है, जैसे गैस की फॉर्म में बोतल होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होती, आई थिंक सो। कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन तो कोक वैसे ही रोक देती है, कोक पेप्सी या सेवन आपका अगर इस्तेमाल करें आप मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ, वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन भी रोकता है। तो ये है कि आपके स्टमक पर लोड पड़ता है जिस वजह से गैस हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, आपको बहुत सारी फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ती है। तो आपको हेल्दी फूड्स की तरफ आना चाहिए, ना कि ऑयली चीज़ों की तरफ आएँ। आप सिंपल मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंदर जामेशीरी डाल सकते हैं, या दिन भर जब आप रोज़ा रखते हैं आपको गर्मी हो जाती है आप तुखमलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भिगो दें और दूध में जो है वो तुखमलंगा का इस्तेमाल करके दूध को पी सकते हैं, वो भी आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। चूँकि फाइबर रिच होता है तो वो आपकी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, यूजली रमज़ान में अगर आप देखें तो सहरी में ज़्यादातर लोग दही और लस्सी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इस पे आप बताएं कि लस्सी कितनी मुफीद है, क्योंकि पूरा दिन आपने भूखा रहना है और रमज़ान का रोज़ा जाहिर बात है फिर बड़ा लंबा होता है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड बन गया हुआ है कि लोग जो है वो नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करते हैं सहरी में, बहुत ज़्यादा लस्सी पीते हैं और पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते। तो लस्सी जो है, नमकीन लस्सी में सॉल्ट का इनटेक होता है, आप लोग जब सॉल्ट का इनटेक करते हैं तो आपकी जो थर्स्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, आप दिन भर जो है वो आपको पीने के बाद फ़ौरन से प्यास लगना शुरू हो जाती है। अगर आप सिंपल पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आप नोट कीजिएगा कि आपको उस तरह से प्यास नहीं लगेगी, अगर आप नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी प्यास जो है वो बढ़ जाती है। इसके कंपैरिजन में आप सादा दही इस्तेमाल कर सकते हैं, दही जो है वो प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप दही में तो आप चीनी का इस्तेमाल ही करेंगे, नमक का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लस्सी में हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो दही जो है वो एक हेल्दी ऑप्शन है कि आप पराठा इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखी रोटी के साथ भी दही में पुदीने की चटनी जो है वो डाल के रायते के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय ये कि आप नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करें जिससे आपकी थर्स्ट जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो और आपको फिर सारा दिन जो है वो प्यास लगती रहे। तो दही एक हेल्दी ऑप्शन है। अच्छा, अगर एक मैं इसका ओवरऑल कंक्लूजन निकालूं कि आपको रमज़ान में जो है वो किस तरह के फूड्स को कंज्यूम करना चाहिए, क्या एक हेल्दी ऑप्शन हो सकती है कि आप रमज़ान में फ़िट भी रहें, और बहुत सारे लोग यहाँ तो वेट गेन करने की तरफ आ जाते हैं या बिल्कुल ही वेट लूज में चले जाते हैं रोज़े रखकर, लेकिन वैसे अगर देखा जाए कि ये अल्लाह ताला की एक नेमत ही है, रमज़ान का रोज़े रखने के फ़वाद भी बहुत ज़्यादा हैं, आपको ओवरऑल इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन वेट गेन और वेट लूज जो है ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ऑयली फूड्स की तरफ ना जाएं, आप हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएं जिसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें रमज़ान में,
फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें और शेक्स वगैरह का इस्तेमाल करें। जैसे कि अनहेल्दी ऑप्शंस में हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ जाती हैं, उसका इस्तेमाल लोग करते हैं, ऑयली चीज़ों के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। लेकिन जो हेल्दी ऑप्शंस हमारे पास रोटी हो गई और फ्रूट्स का इस्तेमाल हो गया या फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल हो गया, शेक्स वगैरह, इनका इस्तेमाल नहीं करते। इसको एक हैबिट बना देते हैं, पूरे 30 डेज तक जो है वो इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से उनका वेट भी गेन होना शुरू हो जाता है या तो और जो है वो हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं और वो वेट लॉस की तरफ भी चले जाते हैं। आप कोशिश करें फाइबर रिच चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। आप सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया करें, सलाद का इस्तेमाल कर लें जब आपने इफ्तारी करनी है। आप इन चीज़ों को इतनी जल्दी आप ऑयली चीज़ें खाना शुरू कर देते हो कि आप फुल हो जाते हो और आपको कोई हेल्दी ऑप्शन जो है वो मिलती नहीं है कि हम कंज्यूम कर सकें। तो ये है कि आप एक सलाद का बाउल काट के रख लें अपने पास, तकरीबन आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद जो है आप सलाद कंज्यूम कर सकते हैं, ताकि जो है वो आपको फाइबर की अमाउंट भी मिलती रहे और उसके साथ साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी मिलते रहे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी मिस उमे फरवा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बता रही थी कि किस तरह से हेल्दी डाइट लेकर आप खुद को किस तरह से फिट और सेहतमंद रख सकते हैं ड्यूरिंग रमज़ान, वेट के बढ़ने का खतरात से भी बचा जा सकता है, और वो लोग जो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं वो कौन सी डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आज के शो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर एयरमार्डो को इजाज़त दीजिए, अदाने के बाद।